हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एजबैक सिस्टम का अहम जो हिस्सा है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बोलता है कि चिल्ड वाटर सिस्टम। इसमें मैं ड्राइंग कैसे पढ़ना है, यानी ड्राइंग कैसे समझना है, उसका साथ ड्राइंग के साथ मिला के प्रैक्टिकल कैसे काम करना है, ये सारे चीज़ मैं इधर बताएगा। तो आप इधर तो ज़्यादा बोरिंग चीज़ मैं नहीं बताएगा, लेकिन प्रैक्टिकल जो काम है साइट में, जो काम है अहम जो हिस्सा है इसका, वो वही सारा कुछ आप लोगों का साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, तो दूसरा जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा वो पहले आप लोग को मिल जाएगा। ये पहले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि ये जो इसका ड्राइंग कैसे समझना है, इसका सिंबल क्या है और सिंबल का इक्विपमेंट कैसे दिखता है, ये सब आप लोगों के साथ अभी करेगा जो चिल्ड वाटर में सिस्टम में यूज होता है। तो चिल्ड वाटर सिस्टम समझने के लिए आप इसको 5 हिस्से में बांट सकते हैं। एक है कि वाटर चिलरी होगी, दूसरा है प्राइमरी पंप सेक्शन, तीसरा है सेकेंडरी पंप सेक्शन, चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और जो पांचवा होता है वो होता है फीडिंग यूनिट है, जैसे कि AHU है, FCU है, प्राक यूनिट है और सारे अदर कुछ है ऐसा चीज। अभी जो आपको अगर चिल्ड वाटर सिस्टम को अगर अच्छा से समझना है तो इसको 5 हिस्से बटेगा तो अच्छा है। पहले जो आएगा वो है वाटर चिलर यूनिट, द 3 वाटर चिलर यूनिट है, 3 है, ये पानी को ठंडा करता है। फिर आएगा पंप सेक्शन, प्राइमरी पंप सेक्शन और सेकेंडरी पंप सेक्शन। पंप पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, पूरा सिस्टम में पानी को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये पंप का काम है। इसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ये पूरा पाइप से बनाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पाइप से बना होता है। फिर आता है फीडिंग यूनिट, AHU, FCU और क्रैक और अदर अन्य दूसरा कुछ आता है। अभी हम लोग देखेगा कि जो ड्राइंग में जो चीज़ यूज होता है उसमें कैसे क्या रीडिंग करना है, ड्राइंग कैसे रीडिंग करना है। ये देख रहा है जो 250 है, इसमें साथ वो ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल होता है डाया का सिंबल, पाइप का साइज है ये 250 मिलीमीटर डाया, इसको 10 इंच भी होता है, पाइप साइज है। इसके बाद ये है FC, FC का मतलब है फ्लेक्सिबल कनेक्टर, इसको रबर कनेक्टर भी बोलता है। इसके बाद आएगा ये जो TH का मतलब है थर्मोस्टेट। इसके बाद ये है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका बोलता है TG, TG का मतलब प्रेशर गेज। के बाद TS आता है, TS का मतलब है टेम्परेचर सेंसर। उसके बाद D जो पॉइंट है, ये डी का पता है ड्रेन आता है। इसके बाद आता है ये जो एस टी आर जो देख रहे हैं, इसको ST भी बोलता है, ST का मतलब है स्टेनर। फोटो में आप लोग देख सकते हैं कैसे देखता है ये। बाद में ये है IV का मतलब है आइसोलेशन बल्ब, इसको ISO बल्ब भी बोलता है, ये भी आइसोलेशन बल्ब है। इसके बाद DRB मतलब है डबल रेगुलेटिंग बल्ब, ये फोटो में आप देख सकता है कैसा है। फिर है MB का मतलब है मोटराइज बल्ब, ये जो मोटराइज बल्ब है ये है बटरफ्लाई मोटराइज बल्ब। इसके बाद D है ड्रेन थर्मोस्टेट। बाद में जो ये जो FC जो एक पॉइंट देख रहा है, FS का मतलब है फ्लो सेंसर,
फ्लो स्विच बाद में वो प्रेशर गेज। इसके बाद है ए ए बी मतलब है ऑटोमेटिक एयर वेंट, इसको ऑटोमेटिक एयर वेंट वेंटिलेटर भी बोलता है। बाद में जो आखिर में जो देख रहा है वो फिर एफ सी और एक चीज़ आता है उसको बोलता है डीपीएस। डीपीएस का मतलब है डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। जनरली एक सिल्ड वाटर सिस्टम में यही सारा कुछ आता है, कभी कभी एक दो सिस्टम में इधर उधर होता है, लेकिन आप लोगों को भी समझ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं जो बात करेगा वो है सिल्ड वाटर यूनिट का, उसका कनेक्शन कैसे करता है और ड्राइंग में कैसे दिखता है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया।